सो हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू लेक्चर अबाउट एरेज एंड ऑल. ओके, सो यार आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है कि लीप ईयर कैसे प्रिंट करें. राइट, कि लीप ईयर गेट करना है. सपोज करो यूज़र ने कुछ इनपुट दिया है, ठीक है, एंड यूज़र के इनपुट के बिहाफ पे ईयर इनपुट दिया है, एंड उसके बिहाफ पे हमें चेक करना है कि दिस ईयर इज लीप और नॉट, लीप ईयर और नॉट. ओके, तो पहले तो यार ये समझ लो लीप ईयर होता क्या है. बहुत ही बेसिक टर्मोलॉजी है वैसे तो, ठीक है, ये हमारा पुराना कुछ है. ओके, सो इसका लॉजिक क्या है यार. देखो क्या होता है कि हमारे पास जो डेज होते हैं ना, वो होते हैं 365.25, ठीक है. तो 365.25 डेज होते हैं, जो हम 365 डेज बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है. सो जब भी ये 2.25 आता है तो हम इसको नेक्स्ट में ऐड कर देते हैं. हम क्या ऐड करते हैं, मतलब सोलर पैनल अपने आप ऐड कर लेता है, ठीक है. तो एवरी आफ्टर 4 ईयर्स, तो ये हो जाता 366 डेज. तो एवरी आफ्टर 4 ईयर ये हो जाता 366 डेज, ठीक है. तो 360 डेज को ही हम लीप ईयर बोलते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा फरवरी में एक प्लस डे ऐड हो जाता है 29. ओके, तो उस साल हमारे पास 366 डेज होते हैं. तो यार चलो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम कोड कर लेते हैं. तो कोड में देखो क्या है, कंडीशंस हैं कुछ जो याद रखनी है, ठीक है. बाकी लॉजिक ढूंढ लेना इसके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. लॉजिक मतलब कोड में, लॉजिक में ज़रूर बता दूंगा. तो सबसे पहले कंडीशन है कि जो हमारा ईयर है ना, जो हम यूज़र से लेंगे या फिर खुद इनपुट करेंगे, वो सबसे पहले या तो 400 से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, जिसका रिमाइंडर हमें 0 बचना चाहिए, ठीक है. और कंडीशन, एंड देन इसके बाद जो एलिमेंट है या तो वो 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए पूरा, मतलब अगर हम 4 से डिवाइड करें तो उसका 0 भेजना चाहिए रिमाइंडर. एंड सेकंड कंडीशन, 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 100. ओके, तो ये तीन कंडीशन नहीं थे इसमें, दो कंडीशन है मैन, तो ये एंड में आएंगी और ये और में आएगा, ठीक है. तो चलो एक कोड लिख लेते हैं सिंपल सा. सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से ईयर लेना है, ठीक है. वैसे तो हम यहाँ पे अभी तो मैं खुद डिफाइन कर देता हूँ, इंट ईयर इक्वल टू 0, ठीक है. सॉरी 0 नहीं है, क्या चला रहा है, 2023 चल रहा है, इसी को चेक कर लेते हैं, ठीक है. इंट ईयर इक्वल टू 2023, एंड इफ कंडीशन लिख लेते हैं, इफ ईयर. अब हमें अगर रिमाइंडर निकाल लेते हैं, हम क्या करेंगे, मॉड का यूज़ करेंगे, ठीक है. मॉड 400 इक्वल टू 0, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. देन और ऑपरेटर, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे ईयर, या डबल ब्रैकेट लगाएंगे हम, क्योंकि हमें डबल कंडीशन चेक करनी है, ठीक है. ईयर सिंपल, अगर हमें रिमाइंडर गेट करना है तो मॉड 4 इक्वल टू 0 पहली कंडीशन, एंड ऐसे ही लिखते हैं, मैं पाइथन चला गया. ईयर नॉट डिविजिबल बाय 100, सो नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये तीन कंडीशन है सिंपल. सबसे पहले और ऑपरेटर, एंड देन इसके बाद मॉड चेक कर रहे हैं हम फिर से 0 का, एंड डबल एंड के साथ ईयर मॉड 100, ठीक है. तो यहाँ पे हमारी दोनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. यार अगर देखो ऑपरेटर वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक सीरीज़ है हमारे चैनल पे जावा की, कोर कॉन्सेप्ट की, तो वो आप पढ़ सकते हो, रिलेशनल लॉजिकल इफ एल्स सब डिटेल में समझाया. ओके, तो चलिए इसको प्रिंट कर लेते हैं. तो अगर जैसे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई आती है, तो द ईयर विच वी हैव रॉट ऑन द राइट, ओके, दिस इज अ लीप ईयर. ओके, एंड एक कंडीशन, एक एल्स और लगा देते हैं, अगर नहीं है तो भाई नहीं प्रिंट कर दे, और क्या है, दिस इज नॉट अ लीप ईयर. ओके, तो चलिए इस कोड को प्रिंट कर लेते हैं. देखो 2023 नहीं है लीप ईयर, तो कौन सा हो सकता है मेरे हिसाब से, 2016 हो सकता है, ठीक है. 2016 चेक कर लेते हैं. हाँ भाई साहब, ये लीप ईयर था, वो गूगल बाबा साहब पूछ लेते हैं, 2016 इज लीप ईयर, देयरफॉर 2004, 8, 16 वर ऑल लीप ईयर्स, ठीक है, बिकॉज 29 डेज थे उसके अंदर फरवरी में, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है. तो यार एक तो देखो यहाँ से हमने
खुद ही हमने डाल दिया। अब इंटरव्यूअर क्या होता है, वो शंका हुआ होता थोड़ा सा, वो कह रहा है भाई मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप मैं डालूंगा ये, आप क्यों डालोगे। ठीक है, तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर। ठीक है, इसमें चाहिए सिस्टम डॉट इन, ओके, एंड यहाँ हम लेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एंड यहाँ पे हमारा ईयर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज भी देते हैं, भाई ईयर ऐड कर दो। ठीक है, तो चलो करवा लेते हैं इसको। ये मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, अभी आ गया। अब मैंने इसमें यहाँ पे 2018 डाल दिया। ठीक है, तो 18 इज़ नॉट अ लीप ईयर, ओके, बिकॉज 18 लीप ईयर नहीं था, 16 था या जो भी था एक्स वाई जेड। ठीक है, सो भाई अब इस प्रोग्राम को चलाओ खूब बढ़िया तरीके से। एक काम करते हैं, 24 चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2024, 24 लीप ईयर है, मतलब नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें 29 तारीख को बच्चे नहीं पैदा होंगे, मजाक कर रहा हूँ यार। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ले तब तक के लिए बाय बाय। एंड वही सब्सक्राइब लाइक शेयर जो हमेशा होता है कर देना यार, थोड़ा सा टारगेट रख के चलते हैं इस वीडियो का कि 500 लाइक वगैरह कुछ हो जाएंगे, बाकी तुम लोगों के ऊपर है। ठीक है।